विद्या परमम देवतम। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का बृहदवाक्य है, जिसका अर्थ विद्या ही देवत है। इसी बृहदवाक्य को ध्यान में रखकर नागपुर विश्वविद्यालय कार्यरत है। भारत के मध्य में नागपुर शहर स्थित है, इसीलिए इसे देश का हृदय स्थल भी कहा जाता है। 0 माइलस्टोन इस बात की याद दिलाता है। संतरा नगरी के नाम से जाने जाने वाला नागपुर आज टाइगर सिटी के नाम से भी मशहूर है। दीक्षा भूमि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा विधान भवन यहाँ की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। 1923 में स्थापित नागपुर विश्वविद्यालय देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। पूरे मध्य भारत में यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। देश की कई जानी मानी हस्तियाँ इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। 2005 में नागपुर विश्वविद्यालय का नाम विदर्भ अंचल के प्रसिद्ध संत तुकड़ोजी महाराज के नाम पर रखा गया। आज विश्वविद्यालय राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी विच वॉज फॉर्मरली नोन एज नागपुर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1923 quite prior to getting independence to our country, and that is why this university has seen lot of changes and many reformist which were the products of our university are the gems of our university, and that is why I feel very proud to be here as the vice chancellor of this university. This university had alumni who were Prime Minister of our country, Chief Minister, Chief Justice, then Vice President of India, and then many judges were produced by this university, and many Vice Chancellors are the products of this university, and that's why I say that it's a university which is producing gems, and that's why this is very rich in academic and cultural standards. हरियाली से सुसज्जित नागपुर विश्वविद्यालय के परिसर को महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक परिसर नाम से जाना जाता है। 328 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए परिसर में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फार्मास्यूटिकल, पुरातत्व, मानवता शास्त्र विभाग जैसे अनेक विभाग हैं। सत्र 2012-13 से स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विचारधारा पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। 1930 में दानशूर राव बहादुर डी लक्ष्मी नारायण ने 50 एकड़ जमीन और 36 लाख रुपए नागपुर विश्वविद्यालय को दिए। पीवी नरसिम्हा राव ग्रंथालय और डॉक्टर वीबी भाऊसाहेब कोलते ग्रंथालय की उपाधि के साथ विश्वविद्यालय परिसर में इंटरनेट प्रयोगशाला भी तैयार की गई है, जिसमें 100 कंप्यूटर विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार मौजूद हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान वर्धन के लिए ग्रंथालय में 4 लाख ग्रंथ उपस्थित हैं तथा 14,500 हस्तलिखित और 11,700 पीएचडी के शोध पत्र मौजूद हैं। हमारे ग्रंथालय में 120 इलेक्ट्रॉनिक बुक है, मतलब ई बुक्स है। करीबन 200 इंडियन एंड फॉरेन जर्नल्स है जो हर साल सब्सक्राइब किए जाते हैं, और लाइब्रेरी में 36,000 बाउंड वॉल्यूम ऑफ पीरियडिकल्स है। UGC इन्फोनेट की स्कीम में यूनिवर्सिटी को करीबन 7,000 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑनलाइन मिलते हैं, जो विद्यार्थियों को आज भी कभी भी एनी टाइम ग्लोबली देखने के लिए अवेलेबल है। जो विद्यार्थी संशोधन करते हैं उनके लिए ये जर्नल बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही बेनिफिशियल है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बहुत बड़ा रीडिंग हॉल है, उसमें 225 स्टूडेंट कैपेसिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अदर भी सर्विसेज दी जाती है, जैसे इशू रिटर्न, रेफरेंस सर्विस, ओपैक सर्विस, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, डेली न्यूज़पेपर सर्विस, जेरॉक्स फैसिलिटी, रीडिंग रूम फैसिलिटी, मैप्स एंड रेयर बुक कलेक्शन, थीसिस कलेक्शन, बिब्लियोग्राफिकल सर्विस एंड और यूज़र को इंटरनेट की लाइब्रेरी कैसे हैंडलिंग करना, कैसे सर्विसेज, कैसे रिसर्च मटेरियल फाइंड आउट करना, उसके लिए ओरिएंटेशन भी दिया जाता है।
हाल ही में नैक कमेटी ने नागपुर विश्वविद्यालय को अ श्रेणी का दर्जा दिया है। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। दूसरे शहरों से आए हुए विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में छात्रावास की उत्तम सुविधा है, जहां उन्हें घरेलू वातावरण की अनुभूति होती है तथा उनकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। छात्रावास में रहने वाले लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। छात्रों की संख्या करीब 500 के आसपास है। विदेशी विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर विश्वविद्यालय अंतर्गत डॉक्टर नेल्सन मंडेला विदेशी छात्रावास उपलब्ध है, जिसमें विविध विषयों का अध्ययन व विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा है। स्नातकोत्तर व औषधि शास्त्र और लक्ष्मी नारायण तंत्र शास्त्र विद्यार्थियों के लिए अलग से छात्रावास उपलब्ध कराए गए हैं। रिगार्डिंग द हॉस्टल एंड अदर एमिनिटीज टू द स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन वी आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड टू इम्प्रूव द एमिनिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। द स्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ 93 years. It is the oldest university in the Maharashtra state, and the buildings are old. We know the limitations are there, and the renovation work, the modernization work, the sophistication work we took over. Some funding we got from RUSA, some funding we are taking from our general funds, and we personally visited, myself and our vice chancellor sir, even our director of social welfare, student welfare, they we visited, we discuss with the students what are their problems, and renovation of the toilet blocks, rooms, providing the facilities that we have started. Even first time the university got hostels from the government of Maharashtra, that is of 250 capacity separately for the girls and boys, and very soon these hostels we are going to construct in the LIT premises, and I hope that in future the better facilities will be available to the students for the hostel purposes. नागपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का प्रारंभ 2004 में हुआ और जिसे 2014 में अपडेट किया गया। इस वेबसाइट का नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है। इस वेबसाइट पर ई लाइब्रेरी, नतीजे और टाइम टेबल देखे जाते हैं। Around 12,000 to 15,000 answer books per day. Actually, I am happy to say you that today is a historical day for the university. Today we have delivered all the question papers of all faculty and all examinations online. The online delivery of question papers we started in last winter examination for the engineering faculty. After getting the success in that, we have decided to go for the all faculties and all examination, including the rural centers as well as the urban center. And that day, today in the morning, we did it and we got a 100% success in that. Apart from that, the declaration of the result, we have given the priority. And this year, the art commerce results we have declared within 30 days. विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग परीक्षा विभाग होता है। विभाग जितना सक्षम हो उतना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। नागपुर विश्वविद्यालय के नतीजे 45 दिनों के अंदर वेबसाइट पर घोषित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के आधुनिकीकरण की वजह से विद्यार्थियों के समय की बचत होती है। In the summer 2016 examination, we started the online delivery of the question paper for the engineering faculty. And more than 50 centers were delivered online delivery of the question papers successfully. This examination in winter 2016, we have started the online delivery of the question paper for more than 190 centers. And today I am very much proud to say that yesterday we have started delivery and delivered successfully all the question papers online. This is one of the big achievement in the history of the Nagpur University. As far as the examination department of the Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University is concerned, there are various sections, more than 10 sections that are available over there for catering the needs of the students. And in this particular university, we are always trying to give maximum benefits
to the students. And for this, we are trying to implement the ICT, Information and Communication Technology, for facilitating the students. In this particular system, we are collecting the online enrollment form of the student from the colleges, online examination forms, online delivery of the hall tickets, and also in near future, we are trying to give the facility of the online payment gateway for the enrollment, duplicate mark sheet, duplicate degrees, as well as then for the revalidation and the examination form. आधुनिकीकरण के साथ विश्वविद्यालय नैसर्गिक रूप से भी परिपूर्ण है। विशेष योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय के परिसर का खास ख्याल रखा जाता है और नए नए उपक्रमों के साथ समाज के सामने ये विद्यार्थी एक आदर्श उदाहरण साबित कर रहे हैं। रिगार्डिंग द एनवायरमेंट एंड अदर इश्यूज, यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सोशल दिस रिफॉर्म्स ऑल्सो. Our NSS team is taking efforts. I think two months back, the government of Maharashtra has decided to plant around 2 crores of plants, and university has also taken active part in that. And plantation on a mass level we did in our campus, always in the premises and affiliated colleges of a university. नागपुर विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं के अध्ययन अध्यापन हेतु हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा पाली प्रकृत विभाग हैं। विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा में शिक्षण प्राप्त करने के लिए भाषा विभाग मौजूद है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन और रशियन जैसे अनेक भाषाओं में विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भाषा विभाग के साथ विश्वविद्यालय में संगीत, नाटक, चित्रकला आदि विषयों के लिए ललित कला विभाग गुरु नानक भवन में स्थित है। विद्यार्थियों के कला को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालय ने विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज टेकिंग पार्ट ऑल इन द एक्टिविटीज व्हिच आर द एक्टिविटीज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज द चांसलर, व्हिच आर पॉपुलरली कॉल्ड एज आविष्कार, इंद्रधनुष एंड सच टाइप्स ऑफ activities are held, they are hosted in our university from time to time. And this is the reason why this university has shown a lot of change in itself. विद्यार्थियों के लिए नागपुर विश्वविद्यालय ने राजीव गांधी नेशनल स्कॉलरशिप, UGC BSR स्कॉलरशिप और DST इंस्पायर जैसे शिष्यवृत्तियां उपलब्ध कराई हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में 40 पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग फैकल्टीज़ के हैं और पूरी 9 फैकल्टीज़ को कवर करते हैं। इस विद्यापीठ में जो इंजीनियरिंग फैकल्टी है वो कंडक्टेड कॉलेज LIT और एफिलेटेड कॉलेजेस, जो करीब 55 एफिलेटेड कॉलेज हैं, ऐसी इंजीनियरिंग फैकल्टी का शेप है। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में हमारे पास में इंजीनियरिंग फैकल्टी नहीं है, लेकिन मेरे आने के बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने एक सेंटर, जिसे हम सेंटर फॉर ओवरऑल एक्सीलेंस ऑफ रिसर्च बोलते हैं, वहाँ पे रोबोटिक्स सेंटर की स्थापना की और अभी वो अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पहले साल उसने एक पायलट प्रोजेक्ट में बहुत ही जो हाई टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सक्सेसफुली रन किया और अभी दूसरे साल में आज जो एकदम बर्निंग टॉपिक है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में, क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी पे एक नया कोर्स उसने शुरू किया। ये हमने पिछले साल से अभी तक इस बोर्ड के माध्यम से कर सके और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद हम अपने इस रेजिम में कुछ ऐसा कर सकेंगे शैक्षणिक विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास के लिए, जो एक यूनिक फीचर के रूप में सोसाइटी में जाना जाएगा। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज ने कहा था, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुते देवर्ची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे मत भेद नसुदे। इसका अर्थ भारत में बंधु भाव और एकता हमेशा बनी रहे, जो कि विद्यार्थियों के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट में जो यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्ट
जो दिया हुआ है उसमें जो बेसिक ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का जो है वो ये कि ज्ञान की निर्मिति करना, उसका जतन करना और उसका प्रचार करना, ये तीन ऑब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और दूसरा एक मूल ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी एक्ट में लिखा हुआ है ये कि भारतीय राज्य घटना में जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो जीवन मूल्य है, ये जो अपनी नई जनरेशन है या पीढ़ी है उनके मन मस्तिष्क में विचार जाना चाहिए और ये जो नई पीढ़ी है उसका उपयोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिवर्तन में उसका उपयोग होना चाहिए। ये दो बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट नागपुर यूनिवर्सिटी एक्ट में लिखे हुए। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय निरंतर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करता आ रहा है और हमेशा कार्य करता रहेगा।